Take only 3 minutes. जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर. मैं कोई भूमिका नहीं बांधूंगी, सीधे विषय पे बात करूंगी. मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं लगा कि प्रदूषण के कारण दिल्ली में स्कूलों को बंद किया गया. मैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से आती हूं और मैंने समाचार में पढ़ा था कि रायपुर पूरे विश्व में प्रदूषण के मामले में तीसरे नंबर पे है. वहां पे सड़क चौड़ीकरण और रेल लाइन के बिछाने के लिए बहुत सारे वृक्षों को काट दिया गया और सारे जंगल कट गए और जंगली जानवर हाथी भालू बंदर ये पूरे शहर में आके गांव में उत्पात मचा रहे हैं, गांव के घरों को तोड़ रहे हैं. रायपुर शहर में हम तो कहते हैं कि वृक्ष धरा का भूषण है, वो दूर करे प्रदूषण है. पेड़ लगाना चाहिए लेकिन वहाँ की सरकार प्रदूषण को बढ़ावा दे रही है कह सकती हूँ मैं. सारे जंगल को काट रहे हैं. रायपुर शहर इतना अधिक प्रदूषित शहर हो गया है कि हर दूसरा व्यक्ति स्किन डिजीज से प्रभावित है, हर तीसरा व्यक्ति खांसी से और कैंसर की बीमारी इतना अधिक हो गया है वहाँ पर. और खांसी तो आम समस्या वहाँ की हो गई है, इतना प्रदूषित शहर हो गया है वो. ओजोन आज के समय में हॉस्पिटल मशरूम की तरह उगाए हैं और उस हॉस्पिटल का ई वेस्ट, हॉस्पिटल का जो प्लास्टिक और जो वेस्ट रहता है वो पूरी तरह से वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं. ओजोन की परत इतना अधिक हो गया है कि छेद उसका बढ़ते जा रहा है और उसके कारण बारिश अनबैलेंस हो गई है. जब पानी गिरना चाहिए उस समय पानी नहीं गिरता और जब पानी की आवश्यकता रहती किसानों को उस समय पानी नहीं गिरता और गर्मी में बारिश होती है. पूरा मौसम, पूरा वातावरण अनबैलेंस हो गया है. बेमौसम बरसातें होती, धरा तृषित रहती. सावन में पानी नहीं गिरता, प्रदूषण इतना अधिक हो गया है कि दूसरे मौसम में बारिश होती है. सभापति महोदय आदरणीय, मैं बताना चाहूंगी कि अब तो रायपुर का मौसम ऐसा हो गया है कि कोई महिला जब गर्भवती होती है तो वो प्रदूषित हवा को सांस में लेती है और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अपंग और बीमारी लिए हुए बच्चे पैदा हो रहे हैं. ऐसे समय में स्वास्थ्य विभाग को और हमारे मंत्री महोदय को स्पष्ट नीति बनानी होगी, मानव की रक्षा के लिए नीति बनानी होगी और सभी को मिलकर यह नीति बनानी होगी. अभी सत्यनारायण जटिया जी कह रहे थे कि उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए गैस का उपयोग किए हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि आपने उज्ज्वला योजना के तहत गैस तो बांट दिया लेकिन उसकी कीमत 400 से बढ़ा के 800 कर दिया. हमारी बहनें उस सिलेंडर को और चूल्हे को अलमारी में सजा के रखी है, उसका उपयोग कहीं नहीं हो रहा है. इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि स्पष्ट नीति बनाए और पर्यावरण की रक्षा करें, तभी मानव सही मायने में जीवित रह सकेंगे और मानव की रक्षा हो सकेगी. आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद. जय हिंद. थैंक यू वेरी मच. छाया वर्मा जी द लास्ट.